Hello, good morning everyone. Let's start with the English paper, English comprehension topic, which was asked in SSC CGL 2018 exam, which was held on 11 June 2019, and the shift was third shift. Okay, let's start the topic. The first question is what? पहला question क्या कह रहा है? Select the correct active. अब देखिए active से अब passive. ठीक है, आपको passive form में ये चीज़ दे रखा है, ठीक है, और आपको active form बनाना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि superstitions are still believed in by people. आप ध्यान रखना है एक चीज़ कि active form से अगर हम active से passive बनाते हैं तो ये verb का जो form होता है, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म, जो भी फॉर्म हो, पैसिव का फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होगा. ठीक है, ये चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर स्टिल लगा रखा है. ठीक है, ये पैसिव फॉर्म है हमारा. तो यहाँ से हम अगर एक चीज़ ये देखते हैं कि भाई ये वाला प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं. तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन से जाएँ तो हम चेक कर सकते हैं कि पीपल आर स्टिल बिलीविंग, ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि ING का फॉर्म है और यहाँ पे हमें ING नहीं है. अगर यहाँ ING वाला होता तो यहाँ ऑब्वियसली बात है बीइंग लगता. ठीक है, तो ये नहीं है, यानी ये पार्ट गलत हो गया. दूसरा पार्ट देखते हैं, पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस, तो आपका ऑप्शन यही सही होना चाहिए. आप थर्ड को भी चेक कर सकते हैं. थर्ड में देखिए कि हैव लग गया, हैज और हैव लग रखा है, यानी आपका परफेक्ट में है, तो यानी ये भी नहीं होगा. ठीक है, और पीपल स्टिल बिलीव्ड, यहाँ पर देखिए ED का फॉर्म लग गया यानी पास्ट का है, तो हमें इसमें वाज या वर लगाना चाहिए था और क्वेश्चन में, तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए PQRS का सिस्टम है. ठीक है, PQRS या फिर जंबल सेंटेंस भी कहते हैं इसको. तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप देखिए ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं और जल्दी में भी देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बट दैट इज, अब फर्स्ट पढ़ते हैं, हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं. बट दैट इज़ फॉर एन इमोशनल रीजन. हम इससे कभी शुरू ही नहीं हो सकता, ए पार्ट से कभी नहीं होगा और ए से शुरू भी नहीं है, बस बी और डी से स्टार्ट है. तो हम बी और डी को जल्दी देख लेते हैं. लर्निंग आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर. ठीक है, और उसके बाद डी को देखते हैं. लर्निंग इंग्लिश हाउएवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल रीजन. ठीक है, तो देखिए बी और डी से अभी थोड़ा पता नहीं चल रहा हमें, ये दोनों हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे हॉई वर्ड लगा हुआ है तो ये लास्ट में ही आना चाहिए, बाद में ही आना चाहिए था बी के. फिर भी हम सी पार्ट को देखते हैं. दिस इज बिकॉज प्रोफेशंसी इन द लैंग्वेज कैन लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, अब देखिए प्रोफेशंसी इन लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज यानी यहाँ पे ये बात कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ऑब्वियसली बात है कि डी के बाद हमारा सी आना चाहिए. ठीक है, डी के बाद हमारा ऑब्वियसली बात है सी आना चाहिए. तो हमें देखेंगे कि ऑप्शन में यहाँ पे डी और सी, डी और सी, डी और सी, देखिए एक इसमें है और एक इसमें है. ठीक है, बी ए डी सी में, और उसके बाद फिर देखो फर्स्ट में देखो बट दैट इज़, और सेकंड में देखिए लर्निंग आवर मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर कह रहा है, और ए में है बट दैट इज़ फॉर एन इमोशनल रीजन, यानी ये बी के बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है, तो बी के बारे में बात कर रहा था, यानी बी और ए को साथ होना चाहिए और डी और सी को साथ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है. तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बी ए डी सी होना चाहिए. ठीक है, तो हमारा ये वाला थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम कह रहा है. ठीक है, एंटोनिम कह रहा है, तो आप एंटोनिम देखेंगे, आपका क्या है कि विजिलेंट है. ठीक है, विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि आप, विजिलेंट का मतलब होता है कि केयर वाली बात है. ठीक है, तो अगर केयर है तो यहाँ पे केयरलेस होना चाहिए. विजिलेंट का थर्ड का आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होना चाहिए, केयरलेस होना चाहिए. आप विजिलेंट का मतलब ध्यान रखेंगे कि जस्ट प्रोटेक्ट होता है या फिर आप केयर वाली बात कहते हैं, तो इसको ये चीज़ें कहते थे, इसका ऑप्शन होना चाहिए थर्ड का फर्स्ट होना चाहिए. ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं.
देखिए इसमें सिनोनिम्स का बात कर रहा है, और सिनोनिम्स में आप देखिए कौन साइज है, आपको पता है कि कौन साइज का मतलब क्या होता है, कि ब्रीफ होता है, बहुत मतलब छोटा सा, जितना हो सके उतना में ही संक्षिप्त जिसको आप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 4 का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेंदी, कम्प्लेक्स और डिटेल्ड, ये सब चीज़ें जस्ट एंटोनिम है। अब देखें लेंदी, कम्प्लेक्स और डिटेल, ये एंटोनिम है, बट आपसे सेम सिनोनिम्स पूछा गया, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आप मूव करते हैं, तो देखते हैं, देखिए ये वाले क्वेश्चन को, और मैंने यहाँ पे कुछ ये भी दे रखा है आपको, कह रहा है कि शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। अब देखिए सो अगर मिल गया, ये कंजंक्शन है, तो सो के साथ हमेशा याद रखना कि दैट आता है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि भाई इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, तो आप देखिए यहाँ पे सो के साथ दैट आना चाहिए, सो के साथ फर्स्ट क्वेश्चन में टू लगा रखा है, ये गलत हो गया। और थर्ड में कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये तो गलत है, यानी नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। सो टायर्ड टू, देखिए ये फोर्थ में भी वही चीज़ कर रखा है, यानी ये भी गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन सेकेंड होना चाहिए, या नहीं ये होना चाहिए शी वॉज टू टायर्ड टू वॉक, एज अ निगेटिव भी यूज कर सकते हैं। अब टू टायर टू वॉक को बोल सकते हैं नेसेसरी, मोर देन इज नेसेसरी या डिजायरेबल, और इसका मीन इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, तो इसका आंसर होना चाहिए द सेंटेंस शुड बी शी वॉज टू टायर्ड टू वॉक। अब एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे आप, कि अगर इस सेंटेंस को अगर हम चाहें तो ठीक भी कर सकते हैं, हम इस तरीके से सो और दैट का यूज करके भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें इस फॉर्म में बनाना चाहिए, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुडंट वॉक, यहाँ पे सो लगा और सो के साथ हमको दैट लगाना चाहिए, ठीक है। तो शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुडंट वॉक विल बी द राइट ऑप्शन। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द सेंटेंस कैन ऑल्सो बी दस, शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुडंट वॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कह रहा है कि द चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है, और मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवाया है क्लासेस में रूल के साथ, कि देखो जब विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, नॉट ओनली, ये सब चीज़ें जब भी आता है, ठीक है, आपको बताया होगा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, स्टिल, ये सब चीज़ें, एक्सेप्ट, रादर देन, एंड नॉट, ये सब चीज़ें जब भी बताया था, कि मैंने बोला था कि अगर ये चीज़ें अगर आपको सेंटेंस में आ जाए तो आप प्रेफर करेंगे कि फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार उसका वर्ब लगेगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें, अगर आप वैसे भी रीड आउट करेंगे तो इसमें चाइल्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रखा है, तो ये एज अ मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो द चाइल्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, ये पेरेंट्स वर लिख रखा है जो कि गलत है, ये चाइल्ड के हिसाब से होना चाहिए था, तो चाइल्ड के साथ आप क्या समझेंगे, द चाइल्ड के साथ आपका वाज लगना चाहिए। तो हमें गलती अगर फाइंड करना है, ग्रामेटिकली एरर अगर ढूंढना है, तो हमारा ये वर वेटिंग फॉर द, तो यानी फोर्थ पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में आपका एरर है, यानी ये पार्ट आपका एरर है, यानी ये सही होगा इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, अगर हमसे इम्प्रूवमेंट पूछता तो हम वर की जगह पे वॉज देते हैं। हमें सब चीज़ को एनालाइज करना है, अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमारा इम्प्रूवमेंट भी ठीक होगा और ग्रामेटिकली एरर भी ठीक होगा। तो हमें क्वेश्चन, जब भी अगर ग्रामेटिकली एरर का क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश ये करो कि उसको इम्प्रूव भी करने की कोशिश करो, ठीक है। तो 6th वाले पार्ट का आपका ऑप्शन 4th होगा। अगर आप फिर से ध्यान दो, अगर यहाँ वर वेटिंग है तो द चाइल्ड के हिसाब से आपका वर्ब का यूज करना चाहिए, तो द चाइल्ड के हिसाब से वॉज लगेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए, हाँ, वेरी इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब कह सकते हैं या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस कह सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इडियम्स के बारे में कह रहा है कि वन मस्ट लर्न टू, ये है प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब इसका ये इडियम है,
या प्रोवर्ब कह सकते हैं, इसका मीनिंग कह रहा है कि भाई क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपके लिए ड्रॉ कर रखा है, या फिर एक पिक आपको दे रखा हूँ। यहाँ से आप देखो ये कि कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कार्ट है, ठीक है, और इधर घोड़ा है, ठीक है। अब ये उल्टा काम कर रहा है, अगर उल्टा काम करेगा तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसे लिख रखा है हैंग ऑन, आई मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, हाउ डज दैट सेइंग गो अगेन, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि टू डू थिंग्स आउट ऑफ द प्रॉपर ऑर्डर, मतलब जो चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है उस चीज़ों का यूज करना। जैसे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ को ना आप प्रॉपर ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए आपका आंसर शुड बी टू थिंग्स डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, ये गलत है। डू लास्ट थिंग फर्स्ट, मतलब लास्ट चीज़ों को आप फर्स्ट में करोगे तो एज ए इम्प्रॉपर वो वे है आपका काम करने का, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए तो सेकंड वन वन होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो सेवेंथ का आंसर आपका सेकंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ठीक है, अब देखिए कह रहा है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक इमेज क्रिएट करके आपको रखा है कि आपको आपको रिलेट करने में बहुत आसानी हो, और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, पीछे की बात के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इंस्पेक्शन है, इंट्रोस्पेक्शन है, रेट्रोस्पेक्शन है, और सरकमस्पेक्शन है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ का एक बार पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ, पहले आप समझ ले जाइए, उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। देखिए सरकमस्पेक्शन जो होता है, या फिर इंस्पेक्शन हो गया, या फिर जो भी चीज़ें हैं, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है आप खुद सोचो और बताओ। देखिए इसका आंसर वैसे, देखिए अगर हम इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जानते हैं, इंट्रो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और सेल्फ एनालिसिस जिसको बोलते हैं असेसमेंट कहते हैं, इंस्पेक्शन का मतलब असेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ये असेसमेंट हो गया। इंट्रो का मतलब क्या होता है, जैसे आप इंट्रोवर्ट बोलते होंगे, उसके बाद एम्बीवर्ट भी बोलते होंगे, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो का मतलब क्या होता है, जो खुद में रहने वाला, ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट, अलग अलग टाइप के ये पर्सनैलिटीज़ हैं, एम्बीवर्ट भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इंट्रो लग गया अगर किसी चीज़ के पीछे, इंट्रो और स्पेक्शन, तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब सेल्फ एनालिसिस करना या सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना। उसी तरीके से अगर आप देखो सरकमस्पेक्शन है, तो इसका मतलब ये एज ए नाउन वर्क होता है, और ये सारे नाउन ही हैं। तो सरकमस्पेक्शन का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बींग वेरी एंड अनविलिंग टू टेक रिस्क, मतलब इसका मतलब ये हो गया केयरफुलनेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा रेट्रोस्पेक्शन होगा, स्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग, लुक मतलब देखना, ठीक है। तो आप देखिए रेट्रो का अगर बात करें तो रूट रेट्रो का मतलब होता है पास्ट से रिलेटेड, कोई भी चीज़ें पास्ट में, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये जो गेम है ये पास्ट में बहुत फेमस हुआ करता था, अब एक्सटिंक्ट है, मतलब ऑब्सोलीट बोल सकते हैं कि अब बहुत कम देखा जाता है। लेकिन अगर 90s की बात करते हैं, 90s में जाते हैं, तो ये गेम एक समय में बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको दिया कि भाई ये गेम जो है ना, ये आप बोल सकते हो कि भाई रेट्रो गेम है, जो पास्ट में खेला जाता था, अभी भी बहुत जगह खेला जाता है, बट स्टिल ये चीज़ें एक तरीके से ऑब्सोलीट होते जा रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ देखिए इसमें एग्जॉल्ट है, ठीक है, एग्जॉल्ट का क्या मीनिंग होता है आप देखेंगे। एग्जॉल्ट जो है एज ए, इसका अगर मैं आपको सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होगा प्रेज होता है, ठीक है। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रेज, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रेज। उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्ट, कंडेम का मतलब होता है जस्ट लाइक निंदा करना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको चैलेंज आ गया, ठीक है, चैलेंज। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्रेज करना किसी चीज़ों को, ठीक है। तो आपका इसके लिए आंसर होना चाहिए प्रेज, ठीक है। चैलेंज, कंडेम और एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखते हैं करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कह रहा है, तो आर्गुमेंट का कह रहा है। ठीक है, तो आर्गुमेंट में आप याद रखना ये वाला चीज़ें सही है, वैसे भी देखिए और सब तो गलत ही दे रखा है। ये आर्गू, ये आप याद रखना आर्गू ARGUE होता है, ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट की बात करें तो भाई इसमें ई नहीं होगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा याद रखना इस चीज़ों को। ठीक है, तो 10 का जो आंसर होगा आपका आर्गुमेंट ये होगा, इसलिए आप आर्गुमेंट में ये गलती मत करना जो मोस्ट कॉमन एरर है, लोग ये करते हैं कि आर्गू पता है, ARGUE होता है पता है, और उसमें हम MENT लगा देते हैं ना, तो इसलिए वो चीज़ें लगता है कि ये चीज़ सही होना चाहिए, बट ये गलत है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे, आर्गुमेंट का स्पेलिंग ARGUMENT होता है। जैसे मैंने आपको कैलेंडर पिछले वीडियो में बताया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। निमोनिया का पिछले बार CDS में भी क्वेश्चन आया था निमोनिया का, तो आप निमोनिया देख लेना और उस चीज़ को करते रहना। स्पेलिंग में बहुत सी कॉमन कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आप ल्यूटेनेंट गवर्नर होता है, ठीक है, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं बट ल्यूटेनेंट होता है, ठीक है, कर्नल का स्पेलिंग देख लेना। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो बार 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये जो है हिज सक्सेस एट, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग कह रहा है, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट। तो इसका आंसर होना चाहिए स्पीक्स वॉल्यूम कह रहा है, तो इसका मतलब होगा गिव्स इनफ प्रूफ। गिव्स इनफ प्रूफ का मतलब होता है कि एज अ गेस्चर सरकमस्टांस ये कन्वे, मतलब यू कैन रिलेट इट लाइक दैट कि कन्वे अ ग्रेट डील विदाउट यूजिंग वर्ड्स टू रिवेल इंडिकेट अ ग्रेट डील अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, तो इसलिए आप इसका जो स्पेलिंग ये स्पीक्स वॉल्यूम का होगा गिव्स इनफ प्रूफ, तो मतलब हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज गिव्स एनफ प्रूफ फॉर हिज टैलेंट। अब इसके टैलेंट की बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि इतना कम उम्र में इसको इतना सक्सेस मिल गया कि तो इसके इसके टैलेंट का ना बहुत ज़्यादा प्रूफ दे रखा है, दिखाता है, तो इसलिए आपको बोलते हैं इसका आंसर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे ये सब चीज़ें, थोड़ा सा आप थोड़ा बहुत नॉलेज पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिससे आपको कि याद ही करना है, नहीं, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। ठीक है, तो वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, रूल्स का बात कर रहा है, तो आपका इसका आंसर देखो आप ध्यान रखना, ये टेम्पर और ये टेम्पर में बहुत अंतर है। ये टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ से छेड़खानी करना। ठीक है, तो हमारा आंसर वैसे सेकेंड ही होगा, बट समझते हैं कैसे। देखिए टेम्पर आप क्रिकेट में भी सुनना होगा आपने, बॉल टेम्परिंग करना, कि बॉल के साथ टेम्पर करा छेड़खानी, जैसे अभी कुछ समय पहले न्यूज आया था कि न्यूज में था और 1 साल के लिए दो क्रिकेटर भी बैन हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, कि एक स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल के लिए बैन लगा था, और एक और क्रिकेटर था जो उनके ओपनर थे, तो उनके लिए उनको उसको भी 6 महीने का बैन लगा था, तो वो बॉल के साथ टैम्परिंग कर रहे थे। तो इसलिए कह रहा है कि ड्राइविंग का जो रूल्स है ना उसके साथ हमें कोई टैम्पर नहीं करना चाहिए, नेबर कह रहा है। ठीक है, अगर आप ट्रिफल का मतलब देखना चाहते हैं तो ट्रिफल का मतलब होता है कि लिटिल वैल्यू, मतलब थोड़ा सा कम जिसका वैल्यू हो ना उसको लिटिल वैल्यू कहते हैं ट्रिफल का मतलब। रिकॉन का मतलब होता है मानना, ठीक है, और टेम्पर का मतलब तो पता ही है आपको, गुस्सा, गुसेल वाले लोग जो होते हैं टेम्पर। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्पर TAMPER। ओके, नाउ वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट वी आर सीइंग। देखिए यहाँ पे ये वर्ड है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, मतलब ऐसा चीज़ जिस जो सेटिस्फाइड नहीं होता। तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इनक्रेडिबल, इनसेटिबल, इम्प्रोपेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे, इसमें देखो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इसका आंसर होगा इनसेटिएबल। आप ध्यान रखना, देखो सेटिएबल का अगर यही स्पेलिंग सेटिएबल होता आपका, तो सेटिएबल का होता है विच कैन बी सेटिस्फाइड। ठीक है, विच कैन बी सेटिस्फाइड दैट इज सेटिएबल, अगर हम इसके पहले इन लगा देते हैं
ठीक है, अगर हम इन सफिक्स के तरीके से यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है निगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इज कॉल्ड इनसैटिएबल। ओके, उस इसी तरीके से आप देखेंगे कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल अब हम बोलते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का अगर मतलब देखेंगे तो अतुल्य बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसका कोई तुलना नहीं हो या फिर जिसमें हम बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है, इनक्रेडिबल का वो मतलब होता है। लेकिन अगर क्रेडिबल हो, CREDIBLE, क्रेडिबल के विच कैन बी बिलीव्ड, बट अगर हम यहाँ पे इन लगा दिए तो ये जो नेगेटिव वर्ड हो गया, तो नेगेटिव विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है, तो इसको हम इनक्रेडिबल कहते हैं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल तो आपको पता ही है, इम्पॉसिबल का मतलब अब पॉसिबल है और उसके बाद उससे पॉसिबल का मतलब कुछ चीज़ पॉसिबल हो पाना, और इम्पॉसिबल लग गया, ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आप एक दूसरे से रिलेट करके हम कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से हमारा वोकैब थोड़ा सही होता है। और अगर हम देखिए, एक और है इम्प्रोपेबल है, तो इसका मतलब होता है कि नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन, मतलब जो कि ना सही हो ना भी, जो भी ना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्रोबेबल का ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा इनसैटिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए फिर से आपका पैराजम्बल्स क्वेश्चन है, आप इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला काम, अगर आप सेंटेंस देखेंगे और पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप शुरू के कुछ लाइन पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शुरू के लेटर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट ऑफ दीज स्टेट्स दैट द ओनली वे टू हैव अ फ्रेंड इज टू बी वन। यहाँ पे थोड़ा फ्रेंड के बारे में बात किया है, तो हम नीचे देखते जाते हैं क्या क्या कह रहे हैं। लाइक ऑल रिलेशनशिप इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन द अर्थ। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है, पहली बात देखो, आप डी दे रखा है, 10, वन मस्ट बी रिलायबल एज अ फ्रेंड टू एक्सपेक्ट रियल, ठीक है। तो इसमें अब देखो, अगर डी पार्ट का अगर आपको दे रखा है, तो हम थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा सोचे कि भाई 10 लगा हुआ है, ठीक है, और 10 10 अगर लगा हुआ है, तो ये एज अ लास्ट में कोई भी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए यूज होता है कि 10 वी कैन से दीज थिंग्स एंड 10 वी कैन डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो हम डी यूज करते हैं। और आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, देखिए ये वाला CBAD और ACBD है, ठीक है, तो हमारे इन्हीं दोनों में से कोई होगा। फिर भी हम चेक करते हैं कि देखिए ABCD में, अब देखिए यहाँ पे देखो, 1 मिनट, ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब ये सॉरी, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहना कि अब देखिए इस दोनों में ही हम चेक करते हैं, ये दोनों तो आपका गलत ही हो गया, क्योंकि आप डी डी से हमने निकाल लिया, 10 बीच में आ नहीं सकता। तो अब हम सी सी और ए में कंपेयर करते हैं। सी कह रहा है कि फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन अर्थ, और बी में कहता है लाइक ऑल रिलेशनशिप इट इज ऑल्सो गवर्न बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन अर्थ है, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाइक ऑल रिलेशनशिप इट इज़ ऑल्सो गवर्न्ड बाय सम वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है, इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ एज अ आप बोल सकते हैं प्रनाउन, इट इज़ लग गया, तो ये इट इज़ किसको डिफाइन कर रहा है या किसके बारे में पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि ये फ्रेंडशिप के बारे में पॉइंट आउट कर रहा है कि और भी जितने रिलेशनशिप हैं, इट इज़ ऑल्सो, मतलब इसमें भी कुछ वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो आपका पहले क्या होना चाहिए था, CB होना चाहिए था, अब सी के साथ बी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, सेकेंड होना चाहिए था, तो CBAD विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल मेक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी। देखिए बहुत बार क्लास में मैं बता रखा हूँ इस चीज़ों को, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ही इज मोर स्मार्टर, पहले देखने से ही लग गया कि मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डजेंट अर्न अच मनी, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान देखना रखना कि भाई डिग्री जो है ना, जैसे अगर हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं कि डिग्री जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी से कंपैरिजन नहीं करता, जैसे गुड बेटर, गुड कहते हैं और बेटर हो गया, कंपैरेटिव हो गया और बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है।
तो अब देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखिए, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर। अब देखें यहाँ पे, जब भी डिग्री आएगा तो दो डिग्री एक साथ नहीं लगाएंगे। अगर हम देखो यहाँ पे मोर स्मार्टर है ना, तो मतलब या तो आप मोर लगाते या फिर स्मार्टर लगाते, ठीक है। दो डिग्री कभी भी नहीं आता, मतलब मोर के साथ ना आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए था जो आप इस चीज़ों में। तो आप ध्यान रखना कि दो चीज़ दो डिग्री कभी भी नहीं लगेगा, कि अगर मोर आ गया तो ई आर वाले पार्ट एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, या फिर मोर नहीं लगाएंगे। तो ही इज मोर स्मार्टर देन हिज, तो ही इज मोर स्मार्टर यानी यही गलत है। ही इज मोर स्मार्ट बोलिए, ही इज स्मार्टर देन हो सकता है, ठीक है, बेटर बोलिए, मोर बेटर नहीं होता या मोस्ट बेस्ट नहीं होता। तो दो चीज़ें आप एक साथ, दो डिग्री एक साथ कभी भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपका आंसर शुड बी द फोर्थ वन, ही इज मोर स्मार्टर, ठीक है। तो मोर स्मार्टर आप नहीं लगाएंगे। अब इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो आप इंप्रूव भी कर सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आप देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए, मैन्युपुलेट का वर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो मैन्युपुलेट MENI नहीं होता, MANI होता, MANI मैन्युपुलेट हो गया, ये भी गलत है। मैन्युपुलेट का स्पेलिंग राइट ये है, MANI PULET, मैन्युपुलेट का आपका आंसर ये होगा। तो आप ध्यान रखना, ये सब मोस्ट कॉमन जो है वो बार बार जो पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में ये दे रखा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। उसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, ओके, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो अब देखिए, एक चीज़ कह रहा है कि ही मेड अ डेस्परेट बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट टू चेंज द घैस्टली टॉपिक, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, सबसे पहले हमको देखते ही यहाँ पे ये बट ऑल्सो दिख रहा है, ठीक है, कंजंक्शन में। आप याद रखना, मैंने आपको बार बार ये बताया कि भाई जब भी नॉट ओनली आता है, ठीक है, नॉट ओनली आता है तो उसके साथ हम बट ऑल्सो का यूज करते हैं। ये बट ऑल्सो अकेला नहीं चलता, ये पैर में चलता है, ठीक है। जैसे मैंने सो के साथ दैट बताया आपको, ठीक है, सच के साथ दैट बताया, ठीक है, टू के साथ टू बताया, ठीक है, इसी तरीके से सो सॉरी, इसी तरीके से मैंने एक चीज़ और बताया आपको। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे इस चीज़ों को कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, उसके बाद देखिए नो सूनर के साथ आपको देन आता है, और स्कैर्सली, रेयरली, हार्डली, हार्डली के साथ आपको वैन आएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बट ऑल्सो अकेला नहीं आता, ठीक है, ये पेयर के साथ आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो ही मेड डेस्परेटली, बट ऑल्सो की जगह पे आप बट तो यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ही मेड डेस्परेटली बट पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट, यानी हमारा आंसर सेकेंड होना चाहिए। वैसे भी देखो, दो पार्ट सक्सेस, या आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट में कह रहा है दो पार्ट सक्सेसफुल एफर्ट नहीं, येट ऑल्सो पार्शियल सक्सेसफुल एफर्ट, ये तो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट ही कर रहा है, और नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो सकता, यानी आपका आंसर ये हो सकता है। यहाँ पे ऐसे भी चेक चेक कर सकते हैं कि बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट है, तो यहाँ पे देखो LY है, तो आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव यूज नहीं करेंगे क्योंकि सक्सेसफुली एफर्ट का बात कर रहा है, और सक्सेसफुली कैसा एफर्ट चाहिए, तो सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली एफर्ट कैसा, पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट है एफर्ट, तो आपका आंसर दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आप एंटोनिम का बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखना, 18 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए, एक्स्ट्रा वैगेंट है, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्चीला, और ये एज अ एडजेक्टिव मतलब बोलता है कि वो खर्चीला इंसान है। तो आप पूछेंगे भाई कैसा इंसान है, तो खर्चीला इंसान है, तो वो इस उस इंसान की क्वालिटी बताता है, ठीक है, या फिर तो वो एज ए एडजेक्टिव काम करता है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप एक्स्ट्रावेगेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पेंडिंग मोर देन नेसेसरी, स्पेंडिंग मनी मोर देन नेसेसरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो एक चीज़, एक्स्ट्रावेगेंट है तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब खर्चीला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका, आपको एंटोनिम, तो जो कम खर्चा करता होगा वो होना चाहिए था। तो डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ठीक है, डेफिसिट का मतलब होता है कमी कमी, और ये एज अ नाउन यूज होता है। अब देख भाई, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है,
और तो हमको एज एडजेक्टिव वाला ही वर्ड घुस चेक करना पड़ेगा, और नाउन तो होगा नहीं। और वैसे भी ये कम ही कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि कम खर्चीला लोग, ठीक है? तो इसलिए आपका आंसर डेफिसिट तो नहीं होगा। पॉफर का मतलब होता है कि ए वेरी पुअर पर्सन, ये भी एक नाउन है और इट इज़ यूज एज अ पुअर पर्सन, आप इसको पुअर पर्सन भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए आपका जो वर्ड है तृप्ति, तृप्ति का मतलब क्या होता है? ये तृप्ति जो है तृप्ति का मतलब ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है, और इसका मतलब होता है, तृप्ति का मतलब होता है कि स्पेंडिंग केयरफुली, आप कोई भी चीज़ को ना केयरफुली अगर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एज ए मनी हो या फिर जो भी चीज़ें हो, तो उसका मतलब होता है तृप्ति। तो आपका आंसर होना चाहिए फोर्थ। अब देखिए जेनरस का मतलब क्या होता है, कि शोइंग अ रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, मतलब और ज़्यादा, स्पेशली मनी, मतलब जैसे आप उसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ देने के बाद, मतलब दयालु किस्म का इंसान होगा, शोइंग अ रेडीनेस और टू गिव मोर ऑफ समथिंग स्पेशली मनी दैन इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी और एक्सपेक्टेड, ठीक है? तो वो एक तरीके से दयालु किस्म के इंसान को भी बोल सकते हैं, तो जेनरस नहीं होगा, एज अ इसका आंसर थ्रिफ्टी होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखिए कहना कि इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर, ठीक है? देखिए ये इट इज़ टाइम वाले क्वेश्चंस हैं, इसके जो आपका पैसिव फॉर्म कह रहा है तो इसका जो पैसिव होगा इट इज़ टाइम से शुरू होगा, ठीक है? इट इज़, तो ये सेकेंड वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि इट इज़ टाइम से नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है? इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम कभी कभी आता है, तो आप देखे होंगे कि इसको उसी चीज़ से शुरू किया जाता है। तो आप देखिए इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर कह रहा है, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है? तो अब इसका आंसर, और उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज़ टाइम दैट डिनर टाइम, ये देखिए ये जो है ना डिनर, ठीक है, टू बी सर्व्ड, ये आंसर सही होना चाहिए, इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, आपका आंसर यही होगा। और इसमें भी देखो एक्जैक्टली क्या होता है, इट इज़ डिनर सर्विंग टाइम, ये तो नहीं होगा, इट इज़ टाइम दैट डिनर इज सर्व, नहीं, इट इज़ टाइम सो डिनर शुड बी सर्व, नहीं, आपको यहाँ पे फॉर डिनर, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है ना इट इज़ टाइम, इसका एक रूल्स भी होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसके जो रूल्स होंगे ना, जो रूल्स होता है, जैसे इट इज़ टाइम फॉर डिनर हो गया, तो इसके साथ ना इन्फिनिटिव चीज़ें, जैसे इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर पैसिव में बनाते हैं तो इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो आपका इसलिए ये चीज़ ये एक स्ट्रक्चर है जिसको थोड़ा सा बहुत याद रखना है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे या फिर टॉपिक हम डील करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो इसका याद रखना है, इट इज़ टाइम फॉर डिनर, इसके साथ जो प्रेपोजिशन आएगा वो लगाना है टू बी सर्व, ठीक है? तो याद रखना इसका आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए 20 में कहता है द एक्सीडेंट विक्टिम, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, ठीक है? तो द एक्सीडेंट विक्टिम, अब देखिए इसका ऑप्शन जो होगा, ये कह रहा है कि मतलब जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, मतलब थोड़ा नेगेटिव चीज़ का भी बात लग रहा है और बोल रहा है कि जब तक उसको लेके जाया गया तब तक कुछ हुआ होगा, ठीक है? तो देखिए सबमिटेड द एक्सीडेंट विक्टिम सबमिटेड टू हिज इंजरीज बिफ, नहीं ये तो गलत लग रहा है, हम सब्सक्राइब नहीं होगा, सब्सक्राइब का मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, जैसे मैं बोलता सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब टू आर चैनल, तो आप सब्सक्राइब भी आ गया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए क्या कह रहा है कि द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, तो सरेंडर्ड भी नहीं होगा, ये सकमंड जो होगा, सकमंड बैड जो होगा ये होगा, इसका मतलब भी होता है कि ये एज अ वर्ब काम करता है, तो इसका मतलब होता है कि फॉल टू रेजिस्ट, मतलब आप हिंदी में वैसे मर जाना भी बोल सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट विक्टिम जो था वो मर गया इंजरी से पहले, कि उससे पहले कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फेल टू रेजिस्ट प्रेशर टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्स, ठीक है? तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है? तो आप ध्यान रखना इस चीज़ों को, सबमिटेड सब्सक्राइब और सरेंडर्ड फिट नहीं होता और गलत भी है, इसलिए आपका आंसर फोर्थ वन होगा। उसके बाद देखिए, हाँ अब देखिए हमारा क्लोज टेस्ट आ गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आते हैं, बार बार कहता हूँ, इसके लिए आपको पूरा एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रेंस
का और सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यूजेज होता है। जब तक आपका ग्रामर अच्छा नहीं होगा तब तक ये पार्ट अच्छा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक दूसरे का यूज होता है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा है कि द भोपाल गैस ट्रेजडी, भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में बात किया जा रहा है। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है, डिजास्टर। देखिए द भोपाल गैस ट्रेजडी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स, देखिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है, द वर्ल्ड्स डैश। तो अब फर्स्ट में देखेंगे वर्स दे रखा है, बैड दे रखा है, बेस्ट, मतलब देखो ये पढ़ने से थोड़ा नेगेटिव की वाइब्स आ रही है। जब भी आप क्लोज टेस्ट आए उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्दी में, अब आप एक बार पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि थोड़ा नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है द भोपाल गैस ट्रेजडी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स डैश इंडस्ट्रियल डिजास्टर। अब देखिए वर्स तो होगा नहीं, ठीक है, अब क्योंकि बैड वर्स और वर्स्ट होता है, ठीक है, वर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में, और कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, यहाँ पे द लग रखा है, तो द लग रखा है तो यहाँ पे हमारा आंसर वर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम किस तरीके से इस चीज़ों का यूज करते हैं, ठीक है। द लगा हुआ है तो आपका, द लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे वर्स्ट होगा, बैड नहीं हो सकता और बेस्ट नहीं हो सकता, नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो बेस्ट नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट डैश फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, ओके। नेक्स्ट में देखिए सेलेक्ट, ठीक है, सेकेंड में क्या करें, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है डैश फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, स्टील कंटेनर से क्या हो गया था, तो स्टील कंटेनर्स आप देखिए ये फ्लोड नहीं, मटेरियल रिलीज लीक्ड हो गया था, लीक हो गया था ना, मतलब वो जानबूझ के नहीं किया था, फ्लोड इमिटेड और मतलब ये इमिटेड और रिलीज फ्लोड मतलब बह जाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा जानबूझ के नहीं, मतलब कोई करता भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई लीक हो गया था, खुद ब खुद लीक हो गया था, तो आपका यहाँ पे लीक होना चाहिए, क्या लिखेंगे, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट लीक्ड फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स, ओके। उसके बाद कह रहा है डैश द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ डैश गैस, इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब थर्ड में देखते हैं, 23rd का जो है, कह रहा है कि अप्रोप्रिएट ब्लैंक थर्ड में क्या कह रहा है कि यहाँ से लीक्ड फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स डैश द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो अब देखिए बिसाइड मतलब नहीं होगा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कह रहा है निकल गया, तो बिसाइड एट, यहाँ पे एट होना चाहिए, क्योंकि एक्रॉस का मतलब क्या हो कि मतलब एक्रॉस का मतलब इधर होगा, या फिर आप इस साइड से यहाँ तक कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों का यूज जो होगा, अलोंग तो मतलब नज़दीक से इधर से जाने वाली बात को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ लीक्ड फ्रॉम द स्टील कंटेनर्स एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मतलब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से ही निकला ना, तो वहाँ से निकला तो हम क्या करेंगे, एट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल ब्लैंक फॉर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज्ड अ क्लाउड ऑफ डैश गैस, फिर देखिए इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ। देखिए यहाँ पे डेथ है, थोड़ा सा अगर आप कंप्रिहेंशन बनाते हैं या फिर आप क्लोज टेस्ट का यूज करते हैं तो थोड़ा फॉरवर्ड भी पढ़ के देखेंगे कि पीछे वाले क्वेश्चंस के भी आपको, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ इस पे कंप्रिहेंशन पे ऑन योर डिमांड, तो आई विल ट्राई कि आपको क्लोज टेस्ट का सिर्फ स्पेशलाइज वीडियो बनाया जाए, उसमें आप कुछ चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरीके से फॉरवर्ड, किस तरीके से हम बैकवर्ड पढ़ते हैं, और उस वहाँ से हमको इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होता है, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या होता है कि आगे भी आंसर दिया होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट, तो इसमें क्या डेथ दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेथ से रिलेटेड, यानी डेथली होना चाहिए था, ठीक है। आप देखेंगे वैसे भी कैसे होगा वो भी समझाते हैं। द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज अ क्लाउड ऑफ डेथली गैस, एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित, मतलब जो कि नहीं हो सकता, एबोमिनेबल का मतलब हो गया घृणित, ठीक है, ठीक है, फैक्ट्री एंड रिलीज अ क्लाउड ऑफ डैश गैस, ठीक है, इट लिफ्ट डेथली गैस, इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट
एंड डेथ, ठीक है। तो डेथली के बारे में बात कर रहे थे, एबोमिनेबल इनक्योरेबल का मतलब जो ठीक ना हो सके, डेथली और मर्सीलेस का मतलब नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखो कि जो चीज़ें हैं डेथली, डेथली का यूज कैसे होता है। डेथली जो है एबोमिनेबल वेरी बैड हो गया, और यहाँ पे डेथली जो रेफर हो रहा है ना, डेथली ये एज अ क्या वर्क होगा, देखिए गैस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और गैस इज यूज एज अ नाउन, यू कैन सी। तो ये यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज करना चाहिए था, और एडजेक्टिव यहाँ पे डेथली है, ठीक है। तो हमारा आंसर डेथली होगा, और यहाँ पे वैसे भी डेथ दे रखा है, तो डेथली यहाँ पे आंसर शुड बी डेथली। आप फॉरवर्ड तरीके से जब पढ़ते हैं तो उससे आपको और क्लियर होता है डेथली, ठीक है। ठीक, ओके। गैस इट लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इंस्टेंट, मतलब तुरंत लेगेसी ऑफ इंस्टेंट एंड डैश डेथ, ठीक है। तो डैश डेथ एवर्टेड डिटेन्ड नहीं होगा, डेफर्ड मोमेंट्री। अब देखिए एवर्टेड का मतलब होता है कि प्रिवेंट वर्ड ऑफ एन अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल हैपनिंग, मतलब लेकिन यहाँ पे डेथ का बात कर रहा है, तो डेथ का मतलब ये इट लिव से लेके से इंस्टेंट एंड डेथ डेथ मतलब तुरंत या फिर थोड़ी बाद में, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, देखो मोमेंट्री का मतलब होता है टेम्पररी, सो इट शुडंट बी द आंसर। उसके बाद अब डेफर्ड का बात करते हैं, तो डेफर्ड एज एडजेक्टिव यूज होता है, और डेफर्ड का मतलब है डिलेड अंटिल अ लेटर टाइम, मतलब डिलेड अंटिल अ लेटर टाइम, थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे डेफर्ड होगा, ठीक है। और डेफर्ड जो है एज अ एडजेक्टिव यूज होता है, ये भी याद रखना, यहाँ पे डेफर्ड एज एडजेक्टिव यूज हुआ तो कैसा डेथ, डेफर्ड डेथ, ठीक है। तो हमारा आंसर फोर्थ नंबर होगा, हमारा आंसर शुड बी फोर्थ, ठीक है। तो हम कंप्रिहेंसन जो है पजल पजल के जो क्वेश्चंस है उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का नीड होता है, अगर आपको अभी लगता है आप चेक कीजिए, आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए इन सब क्वेश्चनों को। यू शुड ट्राई व्हाट, आप पहले आंसर मत देखो, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, तो आप क्या करो, आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बढ़ा बढ़ा के देखो, और उसमें आप देखो कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। इफ़ यू आर स्कोरिंग 20+, देन यू आर वेल एंड गुड, योर प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क, बट यू हैव टू डू लिटिल बिट हार्ड वर्क। इफ़ योर मार्क्स और यू हैव अटेम्प्टेड अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव डन 15 क्वेश्चन राइट, दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड। बिलो 15 इट विल बी वेरी टफ, बट डोंट वरी, इट इज़ नॉट वेरी टफ, यू इफ़ यू वर्क हार्ड एंड वर्क हार्डर एंड डू एवरी थिंग राइट इन परस्पेक्ट ऑफ फॉर योर एग्ज़ाम एंड स्टडी अ लॉट, सब्सक्राइब अ न्यूज चैनल टू न्यूज पेपर टू, आप ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इस चीज़ों को थोड़ा सा वर्कआउट करें, ठीक है। सो दैट्स इज, आज एक शिफ्ट का हमने पेपर ख़त्म कर लिया। मैं ट्राई करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाऊं, और भी अच्छे तरीके से और भी डीपली हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सेफ लाइफ, आप सेफ लाइफ एंड स्टे एट होम आप ही कर सकते हो। इफ़ यू आर एट योर होम तो यू विल सेफ लाइफ, यू विल सेल्फ सेफ योर लाइफ एंड अदर्स टू। सो प्लीज़ फॉलो द गवर्नमेंट्स प्रोटोकॉल एंड गवर्नमेंट्स कॉल, बी एट योर होम, डोंट गो आउटसाइड अंटिल एंड अनलेस इफ इट इज़ मोर देन नेसेसरी, ओके। सो टिल देन बाय बाय, गुड मॉर्निंग, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बी एट योर होम, और आप पढ़ाई करें, ओके, देन बाय।